subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सेवा सिंह बाली जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में है। महासचिव पैंथर्स ट्रेड यूनियन जम्मू और कश्मीर, राज्य अध्यक्ष बॉडी बिल्डर स्पोर्ट्स एसोसिएशन श्री सेवा सिंह बाली आजकल जम्मू के अलग अलग पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों और कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। सेवा सिंह पहले ही जम्मू और कश्मीर के लिए एक सप्ताह के दौरे की घोषणा कर चुके हैं। सेवा सिंह विभिन्न जिलों से जनता के मुद्दों को सुन रहे हैं। सेवा सिंह ने कहा कि राजनीतिक नेता अपने वोट ले रहे हैं और केवल चुनाव प्रचार के दौरान दावा कर रहे हैं। सेवा सिंह ने यह भी कहा कि राजनीतिक नेताओं का प्रदर्शन जमीनी स्तर पर पूरी तरह से शून्य है। विभिन्न जिलों और जम्मू और कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से गणतंत्र उनका स्वागत कर रहा है और लोग उनसे मिलने के बाद खुशी व्यक्त कर रहे हैं और अपने स्वयं के क्षेत्रों के मुद्दों पर प्रकाश डाल रहे हैं। उनसे मिलने के लिए भारी संख्या में लोग एकजुट हुए। अधिक जानकारी के लिए डेस्क देखिए अजय ठाकुर के साथ रामबन से मोहम्मद अनीस शेख की एक खास रिपोर्ट। जैसे आप हमारे हर सुख दुख की घड़ी में हमारे साथ साथ हैं, तो जीते दम तक हर एक जीवन आपके साथ ही रहेगा। और भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो हम उनके लिए भी यहाँ से नमस्कार या सलाम आदाब कह सकते हैं। हमारा एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, कोई प्रोटेस्ट नहीं। जैसे कि जम्मू में हुआ, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आप सारे लोग जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि अगर हमें दबाया जाता है, किस चीज़ से दबाया जाता है। अभी अगर मैं +40 पहुँच जाता हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ तो आई एम ए बेगर। बेगर होता है भिखारी। मैं बेगिंग कर रहा हूँ रोड पर। अब मुझे पलस हो, जब हमें पढ़ने लिखने की उम्र थी तब हम हथियार लेके देश की सेवा के लिए चल दिया जी 1500 के पीछे। कुलचा खा के मेरे भाई सो रहे थे ना दिन भर, अब 1500 तो 1.5 साल में कहीं एक ही बार मिलता था। अब हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास एक हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे स्टेट के। लेकिन मैं इनके नॉलेज में ये सबसे बड़ी बात पहुंचाना चाहता हूं, ये बेहतर है खुद ही सुने मेरी बात को। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली वाली साहब, ये छोटा काम नहीं है। ये स्टेट के अगर 4,000 से 5,000 डिसएंगेज एसपीओज हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी टाइम टू टाइम अपनी कुर्बानियां दी हुई है और अपनी जस्टिस के लिए लड़े हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है सर। मैं आपके नॉलेज में ये बात डालना चाहता हूँ कि अगर आप 3,000 लोगों को रोजगार दिलाते हो तो मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि 2,00,000 घरों को रोजगार मिल जाता है। मेरी माए बहने, मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराल वाले, आस पड़ोस वाले बस मेरे साथ हूँ, बस आपके भी साथ हूँ। 3,000 लोगों के साथ 3,00,000 परिवारों को रोजगार मिल जाता है। तो आप गुजारिश यही है कि जितने भी हमारे मतलब मीडिया के पर्सन या कोई भी लोग आए हुए हैं, यही रिक्वेस्ट है कि हमें मेहरबानी करके ये किया जाए।